गुड मॉर्निंग क्लास. सो वी हैव डन अप टू एक्सरसाइज 8.3. नाउ सी ऑन पेज नंबर 8.38. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेक्शन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो. तो इसमें से भी दो फॉर्मुलेज हैं, आपको वो दो फॉर्मुलेज करने हैं और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स हैं. तो सबसे पहला हम लोगों को पढ़ना है इसमें नॉर्मल प्लेन. ठीक है, नॉर्मल प्लेन देखो किसको बोलते हो. अ प्लेन थ्रू पॉइंट पी एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन एट पी इज कॉल्ड नॉर्मल प्लेन एट पी टू द कर्व. वो क्या बोल रहा है कि अगर कोई प्लेन है, ठीक है, एक पॉइंट है पी, उसके अलोंग एक कर्व पे एक पॉइंट है पी, इसके अलोंग ये एक टेंजेंट है और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर एक प्लेन पास हो रहा है लाइक दिस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्लेन. ठीक है, अब इसकी इक्वेशन क्या होती है नॉर्मल प्लेन की, देखिए दो टाइप की इसकी इक्वेशन है. ठीक है, एक तो कार्टेशियन इक्वेशन, एक वेक्टर फॉर्म. तो वेक्टर फॉर्म क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन की, आर माइनस आर का डॉट प्रोडक्ट विद आर डॉट इज इक्वल टू जीरो. बिग आर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और स्मॉल आर क्या है, आपका कर्व है जिसकी क्या होते थे इक्वेशन, स्मॉल एक्स आई कैप प्लस स्मॉल वाई जे कैप प्लस स्मॉल जेड के कैप. ठीक है, का डॉट प्रोडक्ट विद आर डॉट, आर डॉट क्या है, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू जीरो. क्लियर है, कई लोग अब इसको इसमें भी रिड्यूस करके लिखते हैं. ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते, देखो आर माइनस आर डॉट प्रोडक्ट विद आर डॉट है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इसके मैग्नीट्यूड से भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, क्योंकि इधर तो क्या है जीरो है ना राइट साइड पे, तो दोनों तरफ अगर डिवाइड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ा. तो ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गई, आर माइनस आर का डॉट प्रोडक्ट, और ये चीज क्या होती थी आर डॉट ओवर आर डॉट का मैग्नीट्यूड टी कैप, ये किसके इक्वल है जीरो के, है ना, ये जीरो हो जाएगा, जीरो पॉइंट समथिंग इज जीरो. तो ये भी क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन. ठीक है, क्वेश्चन हम ज्यादातर इसी से करेंगे. नेक्स्ट है कार्टेशियन इक्वेशन भी है इसकी. कार्टेशियन इक्वेशन क्या है इसकी, बिग एक्स माइनस स्मॉल एक्स का डॉट प्रोडक्ट विद एक्स डॉट प्लस वाई माइनस वाई वाई डॉट प्लस जेड माइनस जेड जेड डॉट इज इक्वल टू जीरो. ये क्या है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन. उसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑस्किलेटिंग प्लेन की इक्वेशन. इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्फेसेस. अगर दो सर्फेस से हमारा प्लेन क्या कर रहा है किसी पॉइंट पे टच करके गया है, उस ऑस्किलेटिंग प्लेन की इक्वेशन हम यहां से फाइंड करेंगे. और दो सर्फेस क्या है, एक एफ आर इक्वल टू जीरो और एक है साई आर इक्वल टू जीरो. ठीक है, दो प्लेन्स को, दो कर्व्स को हम ऐसे बोलेंगे. तो देखिए इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्फेस एफ आर इज इक्वल टू जीरो एंड साई आर इक्वल टू जीरो इस तरह से गिवन है. देखिए थोड़ा सा लेंथी फॉर्मूला है बस. क्या है ये, बिग एक्स माइनस एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस बिग वाई माइनस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड माइनस जेड इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड को डिवाइड किससे करना है, एक्स डॉट का स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस में टू एक्स डॉट वाई डॉट डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस टू एक्स डॉट जेड डॉट डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल जेड प्लस टू वाई डॉट जेड डॉट इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल जेड इक्वल टू में क्या है, देखो बिल्कुल सेम यही चीज है, बस जहां जहां एफ है वहां क्या आ जाएगा आपका साई फंक्शन. इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, इक्वल रख के जो सॉल्व करके हमारे पास प्लेन आएगा वो क्या आएगा, हमारा ऑस्किलेटिंग प्लेन पासिंग थ्रू टू सर्फेसेस. क्लियर है, और ये थोड़ा याद कर लेना. देखो जब डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर रखोगे तो एक्स डॉट का स्क्वायर लगाना है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर रखोगे तो वाई डॉट स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर रखोगे तो जेड डॉट का स्क्वायर, और यहां पर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई है तो साथ में किसका प्रोडक्ट हुआ, एक्स डॉट वाई डॉट का. सिमिलरली डेल एक्स डेल जेड से डेरिवेटिव किया तो एक्स डॉट जेड डॉट, और यहां पर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल जेड रखा तो वाई डॉट जेड डॉट, इनके साथ टू भी मल्टीप्लीकेशन में है. क्लियर है, तो ये आपके दो फॉर्मुलेज यूज होने हैं बस इसमें, एक है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन और एक है इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस एफ आर इक्वल टू जीरो एंड साई आर इक्वल टू जीरो. तो देखिए इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स. अब सबसे पहला एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन टू द कर्व. किसका है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन का क्वेश्चन आया. तो अभी बताइए आपको इसकी इक्वेशन क्या होती है, आर माइनस आर का डॉट प्रोडक्ट विद टी कैप इज इक्वल टू जीरो, और टी कैप कैसे आता था, आर डॉट अपॉन आर डॉट का मैग्नीट्यूड मतलब डी आर अपॉन डी टी डिवाइड बाय आर डॉट का मैग्नीट्यूड मतलब डी आर अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड, यही होता था टी कैप. तो पहले फाइंड आउट करके लाएंगे. देखिए सबसे पहले आपको आर कैप, स्मॉल आर कैप क्या दिया हुआ, आर वेक्टर ई रेस टू पावर टू टी कॉस टी आई कैप प्लस ई रेस टू पावर टू टी साइन टी जे कैप प्लस ई रेस टू पावर टू टी के कैप. ठीक है,
तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, dr बाई dt मतलब r डॉट, जो कि क्या आएगा, देखिए इसका डेरिवेटिव कीजिए t के रिस्पेक्ट में, तो पहले यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, e रेज टू पावर 2t एज इट इज cos t का माइनस sin t, फिर प्लस cos t एज इट इज e रेज टू पावर 2t का क्या हो जाएगा 2 e रेज टू पावर 2t, ये साथ में i कैप चलेगा, प्लस सिमिलरली इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाइए तो e रेज टू पावर 2 एज इट इज sin t का cos t, प्लस फिर sin t एज इट इज e रेज टू पावर 2t का क्या हो जाएगा 2 e रेज टू पावर 2t j कैप, प्लस में e रेज टू पावर 2t का 2 e रेज टू पावर 2t k कैप। क्लियर है? तो यहां से इन सब में से e रेज टू पावर 2t कॉमन निकाल दिया, यहां क्या बचेगा 2 cos t माइनस sin t i कैप, प्लस 2 sin t प्लस cos t j कैप, प्लस 2 k कैप। क्लियर है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, अंडर रूट करके सारे कॉफिशियंट का, i कैप का भी स्क्वायर, प्लस इस वाले का भी स्क्वायर, प्लस इसका भी स्क्वायर। तो इसने क्या करा, वो रूट हटा करके दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते थे, है ना, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद। तो ये dr अपॉन dt का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। क्लियर है? तो e रेज टू पावर 2t का स्क्वायर, तो e रेज टू पावर 4t बाहर बन के आएगा, और इन सब का स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने के बाद ये ओपन कीजिएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जहां पे होंगे वो वन बन जाएंगे, तो फाइनली आपके पास dr अपॉन dt का स्क्वायर क्या आया है 9 e रेस टू पावर 40, तो मतलब मैग्नीट्यूड क्या आएगा, स्क्वायर रूट लगाओगे तो 3 e रेस टू पावर 2t। क्लियर है? अब आपके पास dr अपॉन dt का मैग्नीट्यूड भी और खुद dr बाई dt भी है, तो t कैप क्या था, dr अपॉन dt डिवाइड बाई dr अपॉन dt का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो वहां से दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा t कैप। क्लियर है? नाउ अपने किसमें पुट कर देंगे वैल्यूज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन क्या है, बिग आर माइनस आर का डॉट प्रोडक्ट विद t कैप इज इक्वल टू जीरो। बिग आर क्या लेते हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, स्मॉल आर आपको गिवन है, स्मॉल आर क्या था आपका पीछे, ई रेज टू पावर 2t cos t i कैप प्लस ई रेज टू पावर 2t sin t j कैप प्लस ई रेज टू पावर 2t k कैप। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर दीजिए तीनों की तीनों वैल्यूज, आर भी है स्मॉल आर भी है और टी कैप आपने यही निकाला है पीछे इक्वल टू जीरो करो, बस इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। पहले आप आई कैप वाले को आई कैप में से माइनस कर दीजिए, वाई कैप को वाई कैप में से, मतलब ये क्या हो जाएगा x माइनस ई रेज टू पावर t cos t ब्रैकेट के बाहर i कैप, सिमिलरली j कैप वाले को इकट्ठा कर लीजिए, क्या आ जाएगा y माइनस ई रेज टू पावर 2t sin t j कैप प्लस z माइनस ई रेज टू पावर 2t बाहर k कैप। ठीक है, और इनटू में डॉट प्रोडक्ट इसके साथ है, ये t कैप था आपका इक्वल टू जीरो। फिर डॉट प्रोडक्ट आप कैसे सॉल्व करते हैं, आई कैप वाला आई कैप से मल्टीप्लाई, फिर प्लस जे कैप वाला जे कैप से मल्टीप्लाई, प्लस के कैप वाला के कैप से मल्टीप्लाई, है ना, और आई डॉट आई क्या हो जाता है वन, जे डॉट जे भी वन और के डॉट के भी वन। ठीक है, सिंपली इसने क्या करा, देखो ये लिखने के बाद डॉट प्रोडक्ट कैसे करा है, आई कैप वाला आई कैप के साथ, मतलब एक्स माइनस ई रेज टू पावर 2t cos t इनटू में 1/3 2 cos t माइनस sin t। ठीक है, सिमिलरली इसको इससे और 1/3 बाहर कॉमन आ जाएगा ना, वो डिवाइड का हमारे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो जीरो आ जाएगा, बस इसको फिर बाद में सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन।